तो भाई ये मेरी वेज स्टार्टर की क्लास है, तो काफी सारी चीजें हैं वो तो वीडियो में आपने देख ली होंगी। ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी आप तंदूरी खाते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में आइटम खाते हैं तंदूर वाला, तो उसके साथ आपको एक बहुत मज़ेदार अनियन का लच्छेदार सैलड मिलता है, वो खाने में बड़ा यमी लगता है। तो उसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है वो अनियन जो मैंने रिंग्स की तरह कट कर ली है, मोटी पतली जैसा आपका दिल करे आप वैसे कट कर लीजिए। और उसके बाद इसमें मैंने इसकी बीज नहीं निकाली, आप चाहे तो इसकी बीज निकाल सकते हैं। यहाँ 1 से 2 मिर्ची जैसा आपका प्रेफरेंस हो, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल दी है मैंने इसमें। आप इसके अंदर टमाटर की स्लाइस भी डाल सकते हैं सीड्स निकाल कर, और चाहे तो आप बीटरूट वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आज वो नहीं डाल रही हूँ बिकॉज बीटरूट डालने से काफ़ी मरून जैसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लेमन जूस डाल रही हूँ, 1 लेमन का जूस। तो लेमन जूस डाल दिया है यहाँ पर मैंने। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि रेशमा क्लास क्यों करनी है, रेसिपी ऐसे ही वीडियो देखते हैं हम लोग और बना लेते हैं। जब आप रेड चिली पाउडर क्लास आप इसलिए करते हैं कि क्लास में आपको एक सही तरीका, हर जगह जाने का एक रास्ता होता है, सही रास्ता होता है, वो रास्ता आपको क्लास से पता चलता है। और करेक्ट मेजरमेंट, यहाँ चाट मसाला डाला है मैंने, वो आपको पता चलता है क्लासेस में आने के बाद। हर चीज़ का एक तरीका होता है, जो तरीका हमको क्लासेस में पता चलता है, तो इसलिए क्लासेस भी ज़रूरी है। और अगर बिजनेस करना चाहते हो ब्लैक पेपर, तो आपको ज़रूर ज़रूर क्लास करनी चाहिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर भी ऐड करूँगी। अब बस इसे आपको मिक्स कर लेना है, इसे ज़्यादा मसलिए मत, इसे हल्का हल्का टॉस कीजिए। और देखिए ये बहुत ही गजब का, बहुत ही टेस्टी होता है। इसके अंदर लास्ट में डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट पहले मत डालिए, यही टिप, देखिए ऐसी टिप्स जो होती है वो आपको क्लासेस में पता चलती है। सॉल्ट जब आपको ये सर्व करना हो ना तब डालिए, सॉल्ट अभी मत डालिए, वरना जो ये अनियन है ना आपकी ये क्रिस्पी नहीं रहेगी और ये पानी छोड़ देगी। तो जैसे आपने अभी तंदूरी बनाई है या फिर पनीर तंदूरी बनाया है या फिर चिकन के आपको ये रेसिपी बनाया है, तो आप ये सैलड उसके साथ सर्व कर सकती है। बना के फ्रिज में रख दीजिए, इसमें मत डालिए नमक। जैसे आपको सर्व करना है तो बस नमक स्प्रिंकल कीजिए और बस थोड़ा सा टॉस कीजिए इसको और फिर इसको सर्व कीजिए, तो उससे क्या होगा इसका पानी नहीं छूटेगा। तो यही टिप्स और ट्रिक्स होती है जो आप आकर क्लासेस में सीखते हैं, तो इसी के लिए क्लास भी ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो ये मेरी वेज स्टार्टर की क्लास है, इसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो ज़रूर देखिए। फीस बहुत कम है, 1000 रुपीज़ है, वीडियो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तो अगर ये क्लास लेनी है तो मुझे कॉल कर लो 9892731856 पर।